आज के वीडियो में आपको दो लोगों को अलग करने का मंत्र बता रही हूँ और टोट के बता रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ऐसे बेकार और गलत और गंदे रिश्तों में पढ़कर किसी की भी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, अपने खुद की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, माता पिता से संतान को अलग करने वाले काम भी हो सकते हैं जो प्रॉपर्टी के लालच में कुछ रिश्तेदार करते हैं। तो आपको उनको अलग करने का ये टोटका मैं बता रही हूँ और एक मंत्र भी बता रही हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ आप सबको चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। विकट परिस्थिति में भी अपनी कुंडली की जाँच करवा कर आप आने वाले समय को जान सकते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए क्या लिखा है। ये ज्योतिष विद्या देवज्ञों की देन है, परमात्मा की देन है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मित्रों, आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ दो लोगों को अलग करने के उपाय। पहला और सामान्य सा उपाय है, पहले छोटा प्रयोग करें, बाद में धीरे धीरे बड़ा प्रयोग करें। तो छोटा प्रयोग इस प्रकार से है, आपको ये इमेजिनेशन हमेशा करनी है कि जिन लोगों को आपको अलग करना है उनके बीच बिल्कुल प्यार नहीं है और वो बार बार लड़ रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पर थूक रहे हैं। ये इमेजिनेशन कम से कम 7 बार दिन में ज़रूर करें। इसके बाद दूसरा काम ये करना है कि आपको ये इमेजिनेशन करनी है कि दोनों की जो रीढ़ की हड्डी के निचला हिस्सा है, हिप्स के ऊपर जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त प्राय हो रही है, वहाँ पर रस्सी निकल रही है और उस रस्सी को आप खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, दोनों से, दोनों जिन दोनों के आप सोच रहे हो उनके बारे में सोचिए और वो आप खींचे जा रहे हो। और अगर आपके मन में उस जो स्त्री या पुरुष है जिनके बारे में आपको पता नहीं है, जिनको आपको अलग करना है, तो उनके नाम को लेकर और एक किसी शरीर की कल्पना कर लो और उसमें से आप वो खींचे जा रहे हो। रस्सी पूरी निकल चुकी है दोनों के अंदर से, रस्सी को आपने जला दिया है, रस्सी की राख को आपने गंदी नाली में बहा दिया है। ये काम आप कर चुके हो और ये इमेजिनेशन आपको लानी है कि वो दोनों अब अलग हो रहे हैं जिनको आपको अलग करना है। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एक मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र आपको बताती हूँ, उससे पहले तरीका जान लीजिए। आपको ये काम किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन करना है और आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसमें 17 लौंग और 17 काली मिर्च रख दीजिए। इसके बाद उनको टच करते हुए आपको एक मंत्र पढ़ना है, मंत्र सुन लीजिए। ओम अमुकस्य अमुकेन दुर्भगा विद्वेषणाय फट। ये मंत्र बोलना है आपको, कम से कम आपको 1100 बार जपना है इस मंत्र को और ये आपको कंटिन्यू करना है। मतलब एक बार में ही आपको फ़र्क लग जाएगा, नहीं लगे तो आप इसको लगातार जपते रहिए। अब आपको करना क्या है, जो आपने लौंग और काली मिर्च को रख दिया और ये मंत्र आपने जाप कर लिया, इसके बाद इस पोटली को आपने बना लिया और लाल रंग की पोटली है ये, और अपने सिर से लेके पैर तक आपने इसको उसार लिया है, दोनों का नाम आपने उसके अंदर लिख के रख दिया है, और उसके बाद में आपको उस पोटली को किसी चौराहे पर रख कर आ जाना है। और घर में घुसने से पहले उस इंसान का नाम लेके, क्योंकि जो आपका प्रिय है उस पर तो नहीं थूकना है आपको, जिसने आपके जी का जंजाल मचा रखा है और आपके प्रियजन को फंसा रखा है, जिसको आपको अलग करना है, उसका नाम लेकर घर में घुसने से ही पहले 7 बार थूकना है घर के बाहर ही, और 7 बार चप्पल से मारना है घर के बाहर ही, उसका नाम लेके पीटनी है चप्पल। ये काम आप कर लीजिए और देखिएगा आपका कैसे आपकी वापस से गाड़ी पटरी पर आती है और सब कुछ सही हो जाता है। और जो दो लोग आपको परेशान कर रहे थे, जिसमें एक आपका प्रियजन था और एक बैरी था, तो वो बैरी उसका पीछा छोड़ देगा और आपका जो प्रियजन है वापस आपके पास आ जाएगा। ये प्रयोग सभी पर लागू हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी मानसिकता भी उस पर्सन के लिए प्यार वाली पैदा करनी पड़ेगी कि कहीं आपके गलत एटीट्यूड की वजह से तो वो व्यक्ति आपके हाथ से नहीं निकला है। तो रात को सोने से पहले अपनी इमेजिनेशन में अपनी गलतियों की कल्पना कीजिए कि कब कब क्या क्या हुआ था, और फिर उसकी भी कटिंग कीजिए, उसको आप रिमूव कर दीजिए कि उस सीन को आपने अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया है, अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और वो जो सीन आपके पास्ट में गलत क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से ये रिश्ता आपके हाथ से फिसला और आपका प्रियजन दूसरे के चक्कर में पड़ा, हालांकि वैसे आपका प्रियजन सही भी हो सकता है, आप भी सही हो सकते हो, तीसरा ही गलत हो सकता है, ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए अच्छा रहेगा, स्थायित्व के लिए अच्छा रहेगा। तो पुरानी जितनी भी बातें हैं उनको डिलीट करो, सबको माफ़ करो और हर चीज़ में खुशहाली को ढूंढो, फिर आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा और कभी आपका जी का जंजाल नहीं बनेंगे ऐसे लोग।